मारूफ भारतीय अदाकार और कांग्रेस रहनुमा शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे झूठा करार दे दिया। कहते हैं कि कश्मीर में अमन नहीं, चीन ने कोरोना फैलने पर कुछ इलाकों को सील किया, जबकि मोदी ने पूरा कश्मीर सील कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के मखसूस लोगों को दामाद की तरह कश्मीर ले जाया गया। माइनॉरिटी कब तक चुप रहेगी? आपने कश्मीर किया, आज तक शांति नहीं आई। आप बोल रहे हैं शांति आ गई, शांति आई नहीं। वहाँ के नेताओं को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है। वाईफाई अभी तक शुरू हुआ नहीं हुआ, कब हुआ, कल हुआ, क्या तमाशा है। पूरे चाइना में तो कोरोना वायरस पे कुछ डिस्ट्रिक्ट सील किए हुए हैं। आपने तो पॉलिटिकली पूरा कश्मीर को और खासकर श्रीनगर को, वैली को तो आपने सील कर दिया बिल्कुल। ऐसा कर दिया, दुनिया में आवाज उठ रही है। आप यूरोपियन यूनियन के लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे, उनको दामाद की तरह लेकर दिखाते हैं यहाँ पे, और आप उन्हीं लोगों को ले जाते हैं जो आपके गीत गा सकें, और सेलेक्टेड जगह पे दिखा रहे हैं उनको, पूरा कश्मीर घूमने नहीं दे रहे हैं। आज उसी यूरोपियन यूनियन का आपने पढ़ा होगा अखबारों में, कश्मीर के मामले में और सीए के मामले में, नागरिकता कानून के मामले में, 750 से ज्यादा में कि जो भारत में हो रहा गलत हो रहा है, उसकी निंदा करते हैं। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।